संजू जी आपके पास इसका मतलब जवाब नहीं है। आपने पहली लाइन में कहा था जीएसटी का 5% जो बढ़ा वो पब्लिक को ट्रांसफर नहीं होगा। उस पर अनुराग भदौरिया ने पूछा 1 रुपया दूध की कीमत क्यों बढ़ी, आप उस पर इन्फ्लेशन पर चली गए। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा। एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये जो 5% बढ़ा ये सरकार ने पब्लिक पर ज्यादती की है? और संजू वर्मा अगर नहीं समझा पा रही हैं कि ये दूध के पैकेट की कीमत 1 रुपया क्यों बढ़ी और उनका ये कहना कि ये पब्लिक को ट्रांसफर नहीं होना था, फिर तो मैच नहीं हो रहा है। अनुराग भदौरिया ठीक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि कोई भी जो कीमत महंगी हो जाएगी खाने पीने के सामान की या दूध की या कोई भी जो कीमत बढ़ रही है उस पर कोई इनपुट क्रेडिट वेडिट नहीं मिलता है कंज्यूमर को, ये तो बहुत सफाई से समझ लेना चाहिए। ये ना तो इंडस्ट्री चला रहे हैं, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ बना रहे हैं, तो ये स्पष्टता पहले सबको हो जानी चाहिए। लेकिन अभी का जो मसला है इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। ब्रांडेड आटा, दाल, मैदा, सूजी, बेसन, इस सब पर 2018 में ही 5% जीएसटी लगा दी गई थी, क्योंकि ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्री पैकेज्ड फूड को लेकर, इसको लेकर कारोबारियों के बीच में कई तरह का, एक तरह से कहें कि मतभेद भी था। ये भी कहा जाता था कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं, दूसरे टैक्स नहीं दे रहे हैं, जबकि वो भी पैकेज्ड कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की जो ताजा बैठक हुई, और चूंकि राजनीतिक तौर पर ये बड़ा आसान हो जाता है इन बातों को कहना, लेकिन जो जीएसटी काउंसिल की ताजा बैठक हुई है, इस बैठक में ये तय किया गया कि जो टैक्स लीकेज है हमको इसको रोकना पड़ेगा। रोकने का मतलब क्या हुआ? रोकने का मतलब ये हुआ कि ब्रांडेड और प्री पैकेज ये जितने भी आइटम हैं इन सब पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही चाहे दालें हो, गेहूं हो, चावल हो, मैदा हो, इन सब पर अगर वो पैकेज नहीं है तो उस पर टैक्स किसी तरह का नहीं लगाया जाएगा। ये जो डिसीजन लिया गया है इसमें वो सभी राज्य शामिल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे गैर भारतीय जनता पार्टी राज्य हो, इसलिए ये विवाद है नहीं। हाँ, एक विवाद जब खड़ा होता है कि क्या दूध की कीमत 1 रुपए बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम किसान की कमाई बढ़ाने के तौर पर दूध को देखते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि कोई किसान अपने यहां पशुपालन कर रहा है, गौ पालन कर रहा है, और उसके बाद उसकी कीमत क्या जस की तस रहेगी? क्या ये संभव है क्या कि जो अमूल है, जो किसानों से कोऑपरेटिव के तौर पर दूध लेकर आता है, बरसों बरस बाद भी वही की वही कीमत रहेगी? मुझे ये आश्चर्य होता है जब वो सारे लोग ये सवाल करते हैं जो गांव जानते हैं, घर जानते हैं, खेती जानते हैं। सचमुच बहुत मुश्किल है कि आप एक तरफ कहें कि हम कीमत नहीं बढ़ाने देंगे, दूसरी तरफ कहें कि किसान को उचित कीमत नहीं मिल रही है। एक चीज बड़ी स्पष्ट है, खुले में जो मिल रहा था उस पर आज भी टैक्स नहीं है, जो जो सादे पैकेट में या प्री पैक्ड था उस पर लगा है। लेकिन गजेंद्र साखला जी मुझे एक बात बताइए, ये क्या लेके बैठे, दूध लेके बैठे, चलिए ठीक है। गजेंद्र साखला जी मुझे एक बात बताइए कि अगर इस टैक्स से, जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बता रहे हैं, इससे राहुल गांधी को इतनी दिक्कत थी तो कांग्रेस शासित राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जीएसटी काउंसिल में इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका बताइए, उपाय बताइए क्या। सुशांत जी, बिल्कुल विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने इन खाद्यान्नों के ऊपर, दूध के ऊपर, दालों के ऊपर, आटे के ऊपर जो टैक्स लगा उसका विरोध किया। और राजस्थान की सरकार ने पिछली गवर्नमेंट के अंदर प्रति लीटर 2 रुपए, इस गवर्नमेंट के अंदर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान पशुपालकों को दूध के ऊपर। नहीं सर, मैं अभी जीएसटी वाले पर पूछ रहा हूँ 5% पर। सर उसमें किसी, सर उसमें किसी कांग्रेस शासित राज्य ने विरोध नहीं किया। सॉरी गजेंद्र जी, आप गलत कह रहे हैं। आप देखिए, आपके ही पार्टी के नेता जिन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि बंगाल के वित्त मंत्री ने विरोध किया। वो ये नहीं लिख पाए कि कांग्रेस शासित राज्य के वित्त मंत्री ने विरोध किया, तो आप ये गलत जानकारी दे रहे हैं।